गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स. आई वेलकम टू ऑल ऑडियंस, ऑल व्यूअर्स, ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. एम्ब्रियोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं अंडे में पाई जाने वाली छिलियां एग मेम्ब्रेन्स पे चर्चा करूंगा. भ्रूण में पाई जाने वाली झिल्लियाँ हैं वो अलग तरह की होती है, उनको फीटल मेम्ब्रेन्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है. लेकिन अंडे पे जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिनको एग मेम्ब्रेन्स के नाम से या एग कवरिंग के नाम से जाना जाता है, उस पर मैं आपसे शॉर्ट में शेयर करूँगा. ओजनेसिस के दौरान ओवम की जब फॉर्मेशन होती है तो ये ओवम बाद में अंडे में कन्वर्ट, ओवम के चारों ओर मेम्ब्रेन्स बन जाती है और ओवम के चारों ओर जब मेम्ब्रेन बन जाती है तो ये रचना एग में कन्वर्ट हो जाती है. इसलिए एग की जो डेफिनेशन ये हो सकती है कि ओवम प्लस मेम्ब्रेन इक्वल टू एग. लेकिन स्पंज की यदि बात देखें, अपन स्लेंटेट्स की यदि बात देखें तो इनमें एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन ओवम बनने के बाद में होती है. लेकिन स्लेंटेट के बाद में जो फाइलम है इनके अंदर एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन साथ साथ में चलती रहती है, साइमल्टेनियस प्रोसेस. यहाँ पर यह कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं है कि पहले ओवम बनेगा और उसके बाद ओवम का रूपांतरण एग के अंदर होगा. इन हायर फाइलम के अंदर ओजनेसिस चलता रहता है, साथ साथ में एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी होती रहती है. कुछ झिल्लियाँ ऐसी हैं जिनको ओवम खुद बनाता है, कुछ झिल्लियाँ ऐसी हैं जो फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनती है, कुछ झिल्लियाँ ऐसी हैं जो फैलोपियन ट्यूब और अंडवाहिनी के द्वारा बनती है. हर लेयर का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, हर लेयर की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हर लेयर के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. तो एग मेम्ब्रेन के बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे डिस्कस करूँगा. अंडे में पाई जाने वाली जो झिल्लियाँ हैं एग मेम्ब्रेन्स, ये तीन प्रकार की एग मेम्ब्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. पहली टाइप की जो झिल्लियां है ये कहलाती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्लियां. दूसरी टाइप की जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन या द्वितीय अंड झिल्लियां. तीसरी टाइप की जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है टर्शियरी एग मेम्ब्रेन. प्राथमिक झिल्लियां जो होती है इसका निर्माण या तो ओवम के द्वारा होता है, श्रम के द्वारा, या फॉलिकल सेल्स के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है, या ओवम और फॉलिकल सेल दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शन से इनका निर्माण होता है. प्राइमरी मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय ओवम इटसेल्फ और बाय फॉलिकल सेल्स और बाय कोलैबोरेटिव एक्शन ऑफ बोथ ओवम एंड फॉलिकल सेल्स. सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होती है इनका निर्माण
secondary membranes are formed by follicle cells, and there is no contribution of ovum in formation of these membranes. Tertiary membrane जो होती है, इसका निर्माण या तो अंडवाहिनियों में होता है, ओविडक्ट के द्वारा, या फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, और ये ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब जो होती है, इसके अंदर लेप रही ग्रंथियां पाई जाती है, और इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन टर्शियरी मेम्ब्रेन के रूप में स्थापित हो जाता है। ये ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो फ्लूइड होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो तरल रूप में भी हो सकता है, जैसे एल्ब्यूमिन के रूप में, केराटिन के रूप में हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हो सकता है। और एंटायर एग की जब फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके बाद में इसमें फिर पिगमेंटेशन होता है। पक्षियों में जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग पक्षियों के अंडों में अलग अलग तरह के कलर्स पाए जाते हैं, तो ये कलर की जो फॉर्मेशन है, ये पिगमेंट ग्लैंड्स के द्वारा डेवलप की जाती है। तो कुल्ला के अंडे में पाई जाने वाली झिल्लियां तीन प्रकार की होंगी, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शियरी मेम्ब्रेन। अब ये झिल्लियां फिर इनका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इन झिल्लियों के अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग इनके नोमेनक्लेचर है, अलग अलग इनकी टर्मिनोलॉजी है, तो ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है, ये तीन ऋतु में पाई जाती है, विटेलाइन झिल्ली के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन। जोना रेडिएटा के रूप में, एक जोना पेलुसिडा के रूप में, कॉरियन आवरण जो होता है ये मछलियों के अंदर में पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द एग्स ऑफ फिश। जोना पेलुसिडा जो होता है ये संधारियों के अंदर में, और संधारियों में भी पर्टिकुलरली यूथीरियम जो एग है, उन अंडों में अंडे के प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर जो आवरण होता है, ये जोना पेलुसिडा का होता है। तो विटेलाइन झिल्ली मछलियों में कॉरियन के नाम से जानी जाती है, स्तनधारियों में ये जोना पेलुसिडा के नाम से जानी जाती है। इसकी जो सेकंड टाइप है, जोना रेडिएटा। हाँ, जोना रेडिएटा जो होती है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है शार्क, बोनीफिश, और शार्क मछली में, ऑस्टिक्टिस की जो मछलियां हैं, अस्टिल मछलियां हैं, उनके अंदर जोना रेडिएटा नामक आवरण जो होता है, ये पाया जाता है। जेलीलिया जो होती है, ये मेनली मैरीन
इनवर्टिब्रेट्स और उसमें भी हायर कैटेगरी है जिसके अंदर जैसे आर्थ्रोपोडा है, मॉलिस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, उन प्राणियों के अंदर जेलिनी जो होती है ये पाई जाती है। तो ये थी प्राइमरी एग्जाम्पलेन वो होती है जिनका निर्माण ओवम के द्वारा या फॉलिकल सेल्स के द्वारा या दोनों के कोलाबोरेटिव एक्शंस के द्वारा संपादित होता है। प्राइमरी एग्जाम्पलेन भी तीन रूपों में प्रेजेंट होती है, विटेलाइन जेली के रूप में, जोना रेडिएटा के रूप में, जेली लेयर के रूप में। विटेलाइन जेली को भी वास्तव में पारियों के नाम से जाना जाता है, स्तनधारियों में इसे जोना पेरोसिडा के नाम से जाना जाता है। जोना रेडिएटा सार्क और मोनिफिश के अंडों में पाई जाती है। जेली लेयर जो होती है ये हायर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, हायर नॉनवर्टिब्रेट्स होते हैं और उसमें पर्टिकुलरली वो जो समुद्री जल में पाए जाते हैं तो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है। इसमें विशेषकर जैसे मोलस्का के जो प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी है, उनके अंदर ये जेली लेयर जो होती है ये पाई जाती है। अब इसकी सेकेंड है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होती है इनकी फॉर्मेशन फॉलिकल कोशिकाओं के द्वारा होती है और सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जैसे कीटों के अंदर सेकेंडरी मेम्ब्रेन को कॉरियोन के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों में से कॉर्ना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। कॉरियोन आवरण मछलियों में भी ये कॉरियोन आवरण इंसेक्ट के अंडों में, लेकिन ये कॉरियोन दोनों में जमीन रात का डिफरेंस है। मछली में जो कॉरियोन आवरण है ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, लेकिन इंसेक्ट में जो कॉरियोन आवरण है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। दोनों की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। इंसेक्ट में जो कॉरियोन आवरण होता है ये काइटिन का बना होता है, मछलियों में जो कॉरियोन आवरण है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। कॉरोना मीडिएटा के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं है और कुछ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि ओवम की जो माइक्रोविलाई होती है, डिसइंटीग्रेटिंग माइक्रोविलाई जो होती है, या कई बार फॉलिकल सेल स्तंभाकार हो जाती है, कॉलमनर टाइप की हो जाती है और जोना पेलोसिडा के बाद इन कॉलमनर सेल्स की एक कवरिंग बन जाती है। इस कवरिंग को कॉर्ना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पर अब ध्यान रखना, जोना पेलोसिडा जो है मेलोस की ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसमें कोशिकाएं नहीं है, लेकिन कॉर्ना रेडिएटा जो है ये सेलुलर लेयर है। इसलिए स्तनधारियों के अंडे में लाल मोतीली की 10 बार जोना पेलोसिडा होगी, जोना पेलोसिडा की 10 बार कॉर्ना रेडिएटा होगी। तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो होती है ये दो रूपों में पाई जा सकती है, कॉरियल के रूप में इंसेक्ट के अंडों में, कॉर्ना रेडिएटा के रूप में स्तनधारियों के। अब तीसरी टाइप की जो मेम्ब्रेन है टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, और ये मैंने आपको बताया कि टर्शियरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होती है, क्लोएका में होती है, क्योंकि जो जो ओवम अंडे ओवरी से रिलीज होके नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ इसकी डाउनवर्ड जर्नी जब होती है तो पैसेज के दौरान, अपने रास्ते के दौरान इसके चारों तरफ सिक्रीशन जो होता है वो एक्युमुलेट होता है, इसमें एल्यूमिन इकट्ठा होता है, वो भी एक टर्शियरी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कवच हिलिया बनती है जो क्रिएटिन की बनी होती है, वो भी एक तरह की टर्शियरी मेम्ब्रेन है। सबसे बात कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनता है, वो भी एक टर्शियरी मेम्ब्रेन है। और टर्शियरी मेम्ब्रेन की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे पक्षियों में टर्शियरी मेम्ब्रेन की संख्या 5 है, मेंढक के अंडे में जो जेली कोट होता है उसमें 3 लेयर होती है, वो भी एक टर्शियरी मेम्ब्रेन है। उस मछलियों के अंडों में सरंगी कैप्सूल पाया जाता है, हॉर्नी कैप्सूल,
ये कैप्सूल भी एक प्रकार का टर्शियरी मेम्ब्रेन है। तो कृत्रिम सिलिया जो होती है इसके मैं तीन एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। एक तो संघी कैप्सूल और नहीं कैप्सूल, एक एग्जांपल है इसमें टेलीफोन और तीसरा एग्जांपल जो बर्ड्स के जो में पाई जाता है जिसके अंदर शेल है कवच, कवच के नीचे कवच सीढ़ियां होती है शेल मेम्ब्रेन, शेल मेम्ब्रेन के नीचे कील एल्बमिन होता है, मछलियों के अंडों में। तो ये जो अंडे होते हैं पॉलीलेसन होते हैं और एल्ब्यूमिन के चारों सरंगी कैप्सूल पाया जाता है हॉर्नी कैप्सूल, और ये हॉर्नी कैप्सूल जो होता है ये एक प्रकार की टर्शियरी मेम्ब्रेन है। मेंढक के अंडे में जो जेली कोट होता है फिर वो पानी के अवशोषण के कारण वो फूल जाता है, और जेली है वो चूंकि हल्की होती है अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन करती है, इसके अंदर पंगेट स्मेल आती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, अंडों को पानी में तैरने में सहायता करती है, कई तरह के इसके फंक्शंस हो सकते हैं। तो मेंढक अंडों में जो जेली कोट है ये भी एक तरह की टर्शियरी मेम्ब्रेन होती है। और पक्षियों के अंडों में पिछली व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया कि मुर्गी के अंडे में सबसे बार कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इस कवच के नीचे जो कवचिकियाँ होती है जो क्रिएटिन की बनी होती है, और इसके नीचे पतला एल्यूमिन होता है थिन एल्यूमिन, और ओवर के दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग रज्जु पाया जाता है थिक एल्यूमिन का जिसको चलेजा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये तीन प्रकार की एग मेम्ब्रेन्स अंडों के अंदर पाई जाती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन ओवम के द्वारा होती है या फॉलिकल सेल्स के द्वारा होती है या दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शन से होती है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ओवम का कोई रोल नहीं है और फॉलिकल सेल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में, और ओवम की जब डाउनवर्ड जर्नी होती है तब इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन किसी भी प्राणी में किसी भी अंडे में तीनों झिल्लियाँ कभी भी नहीं पाई जाएंगी। प्राइमरी मेम्ब्रेन लगभग सभी में होती है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्राइमरी प्लस टर्शियरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, सेकेंडरी प्लस टर्शियरी का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि इन अंडझिल्लियों की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसका प्रयोजन है। इस व्याख्यान का सबसे जो लास्ट पार्ट है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन के कई फायदे हैं, कई बेनिफिट्स हैं इसमें। एक तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, यांत्रिक आघात से सुरक्षा करता है, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, अंडे को डिहाइड्रेशन से बचाता है, इसके अंदर अंडों में कई बार दुर्गंध भी आती है, ऑर्डर है जैसे मेंढक का जो स्पान होता है इसमें पंगेट स्मेल होती है, और पंगेट स्मेल के कारण मेंढक अंडों को दूसरे जो जानवर होते हैं वो भोजन के रूप में काम में नहीं लेते। इसके अलावा वीडियो के कारण में आपस में फ्यूजन भी नहीं,
अदरवाइज तो क्या है, मान लो मेंढे के अंडे हैं, दो अंडे हैं आपस में कॉन्टेक्ट में आ गए, एक दूसरे के साथ आसंजित हो सकते हैं दोनों हैं, ओवम का फ्यूजन हो सकता है, लेकिन लेयर होने से इनका फ्यूजन जो होता है वो इसका प्रिवेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं इनको बॉईल करके ड्राइंग रूम में जैसे सजाया भी जाता है, गिफ्ट के रूप में भी इसको दिया जाता है, भोजन के रूप में भी इसको काम में दिया जाता है। तो ये एक शॉर्ट कवरेज था एग मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो एग मेम्ब्रेन्स आर दोज मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड ओवम, और ओवम प्लस मेम्ब्रेन जब बन जाता है तो ये रचना अंडा कहलाती है, और फॉर्मेशन के आधार पर यह एग मेम्ब्रेन तीन प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस व्याख्यान को कवर किया है। आपने ये व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हाईली ग्रेटफुल टू यू, हाईली थैंकफुल टू यू। और पूरे में आपको कह चुका कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, दूरभाष से संपर्क कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ये है 9414661067, और मेरा जो ईमेल आईडी है दैट इज acsivis@yahoo.com। एक बार मैं पुनः मेरी तरफ से जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से लोया कॉलेज की तरफ से आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।